फ्रेंड्स वेलकम टू द विजय एजुकेशन। फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज। ओके टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन मेंसुरेशन एंड सरफेस एरिया। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो देखो जानते हम लोग कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 46, तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये 2 इधर इसको काट कैंसिल कर देगा तो कितना आ जाएगा 23। तो क्या हो जाएगा, और जानते हैं डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17। देखो डायगोनल कितना दिया हुआ है 17 और पेरीमीटर दिया 46, तो हमको क्या मिल गया पहला इक्वेशन में एल प्लस बी का वैल्यू 23 और देखो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 17। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 289। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको क्या किए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 LB, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB माइनस 2 LB, ये कट जाएगा तो इसके बराबर आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ठीक है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 LB। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था मेरा 289, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। एल प्लस बी का वैल्यू कितना आया था 23, 23 का स्क्वायर माइनस 2 LB। देखो अब 2 LB को इधर लेके चलाते हैं तो देखो 23 का स्क्वायर और ये आ गया 17 का स्क्वायर। ठीक है ना, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 माइनस 289 कितना गया 240। 2 LB का वैल्यू कितना आ जाएगा 240, तो LB का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी एरिया कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देख लो पहले क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है डायगोनल दिया हुआ है, पेरीमीटर से क्या निकल जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दिया हुआ 46, तो लेंथ प्लस ब्रीथ का वैल्यू निकल जाएगा, लेंथ प्लस ब्रीथ कितना आ गया मेरा 23। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल इक्वल टू 17 दिया हुआ है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा मेरा। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं हम, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 LB। ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले थे कितना आया था 289, एल प्लस बी का वैल्यू निकाले थे 23, यहाँ पर स्क्वायर है 23 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 LB को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो LB का वैल्यू 120, यानी एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्या, द होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 20 मीटर लॉन्ग 16 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 7.5 सेंटीमीटर हाइट। तो ये तो ईजी है, क्या करेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू लेंथ ब्रिथ प्लस ब्रिथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो ये वैल्यू सब दिया हुआ है इसमें, क्या लेंथ का ब्रिथ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1556, क्या आ जाएगा आंसर 1556 आंसर डी। ओके इसका आंसर क्या था, कितना आया था आंसर इसका 120, इसका आंसर भी कर देंगे टिक 120 सेंटीमीटर का। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्या, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3.8 टाइम्स इट्स ब्रिथ। ठीक है ना, इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट दिया हुआ है 320 स्क्वायर मीटर देन व्हाट इज द लेंथ, इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे सबसे पहले ब्रिथ को एक्स मान लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है 3.14 8 मीटर। अब दोनों का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रिथ करेंगे, एरिया के बराबर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल इतना, एक्स का वैल्यू निकालेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा 32, एक्स का वैल्यू 32 तो लेंथ 25/8 × 32 बराबर में कट गया, कितना आ गया 100 मीटर, लेंथ कितना आ जाएगा 100 मीटर। ओके तो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेक्टेंगल कारपेट हैज़ एन एरिया ऑफ 120 स्क्वायर मीटर एंड अ पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर, द लेंथ ऑफ इस डायगोनल क्या होगा, क्या करेंगे देखो इसको तो ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है एरिया दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो 120
मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 120, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 46, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 46। तो इससे क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ का वैल्यू कितना निकल जाएगा, टू इधर लाएंगे तो 23। अब देखो एल माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 LB। देखो क्यों, क्योंकि एल एल माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 LB। इसको तोड़ेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB माइनस 4 LB। तो क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 LB। तो एल एच एस और एच एस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 LB। फिर ये क्या करेंगे, एल माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू, एल प्लस बी का वैल्यू मिल गया था हमको, ठीक है ना, और एल बी का भी वैल्यू मिल गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मेरा वैल्यू पुट करेंगे सब तो एल माइनस बी, एल माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ऑन सॉल्विंग एल प्लस बी का वैल्यू कितना आया था मेरा, देखो इस इक्वेशन में देखेंगे तो एल प्लस बी का वैल्यू 23, और इसमें से क्या निकालेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो एल माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो एल प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया कितना दिया हुआ था, एरिया 120। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल माइनस बी का वैल्यू अंडर रूट जो आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसको क्या आ जाएगा, एल माइनस बी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। देखो एक आ गया एल माइनस बी इक्व टू 7 और एल प्लस बी इक्व टू 46। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सॉरी एल प्लस बी का वैल्यू 23 आया था यहाँ पे, यहाँ पे देखो एल प्लस बी का वैल्यू कितना आया था 23, तो ये कट गया 2L इक्व टू 30, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। आइए वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू हम लोग गेट कर लेंगे, तो कितना आया, एल का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 8। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, ये 15 है और ये क्या है 8। ये वैल्यू यहाँ पुट करना तो क्या निकल जाएगा, डायगोनल कितना आ जाएगा 17 मीटर। ओके फिर से देख लो, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एक इक्वेशन निकलेगा, इसको टू इधर लेके आएंगे तो एल प्लस बी इक्व टू 23। हम लिख सकते हैं कि नहीं, एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्व टू क्या हो जाएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 LB लिख सकते हैं ना, दोनों एल एच एस अगर इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो एल एच एस आर एच एस बराबर ही आएगा। एल प्लस बी का वैल्यू कितना है 23, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एल बी का वैल्यू कितना है 120, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आएगा 7, और एल प्लस बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके कितना 23। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2L इक्व टू 30, एल का वैल्यू निकल जाएगा, एल का वैल्यू पुट करेंगे किसी में तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी एल और बी का वैल्यू निकल गया। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर फर्दर क्या निकल जाएगा, डायगोनल का वैल्यू 70 मीटर वैल्यू पुट करेंगे तो ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है। देखो ये तो सिंपल है, क्या करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग देखा था, ठीक है, तो इसको क्या आ जाएगा आंसर, रूट 2100 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अ प्लॉट। क्या पूछ रहा है, द रेशियो निकालना है किसका, लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। किस रेशियो में दिया हुआ, सॉरी दिया हुआ है रेशियो 4:3 में, ब्रीथ दिया हुआ है 40 मीटर लेस देन द लेंथ, ब्रीथ जो है लेंथ से कितना कम है 40। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मान लो लेंथ क्या है, लेंथ को 4x मान लो, लेंथ क्या हो जाएगा 4x, द गिवन रेशियो है कितना है 4:3 हो जाएगा ये 4x, तो ब्रीथ क्या हो जाएगा 3x। अब देखो 4x माइनस 3x कितना आ जाएगा 40। देखो क्योंकि ब्रीथ जो है वो 40 कम है किससे, लेंथ से, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x, यानी लेंथ में से ब्रीथ को घटा देंगे किसके बराबर आ जाएगा 40 के बराबर, तीसरे में क्या हो जाएगा x का वैल्यू 40। अब x का वैल्यू 40 आ गया तो लेंथ निकल जाएगा 160, ब्रीथ कितना हो जाएगा 120, पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है लेंथ और ब्रीथ का 4x और 3x। अब बोल क्या रहा है, ब्रीथ जो है 40 कम है किससे, लेंथ से, नहीं 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 40। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू फिर पुट करो, लेंथ निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू इसमें पुट करो, ब्रीथ निकल जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके इसका आंसर कितना आया था 560 मीटर। ओके नो
द लेंथ एंड ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इन द रेशियो दिया हुआ है, होल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द गिवन वैल्यू इन जो एक्स रेशियो में दिया हुआ उसको एक्स में मान लेंगे, 7x, 5x और 3x। अब क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा मेरा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 14। अब एक्स का वैल्यू लेंथ निकालेंगे तो 7 × x 14 × 7 98, ब्रेथ कितना आएगा 14 × 5 70, हाइट क्या जाएगा 14 × 3 42, वॉल्यूम क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है जो ओलंपियाड में ये सब पूछता है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर टैंक, क्या कैपेसिटी होगा सिलेंडर का। अब तो अपने स्टेटमेंट है तो किस स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा इसको बनाने के लिए। सबसे पहले देखो एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है इतना, हाइट ऑफ द टैंक कितना दिया, 1.2 टाइम्स द रेडियस, और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है बेस का 18। तो तीनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कैपेसिटी क्या होता है पहले देखो, इसका कैपेसिटी मतलब क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, हमको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पहले से क्या निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन में द एरिया दिया हुआ है कितना 61,600, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 61,600। इसमें देखो पाई का वैल्यू क्या कांस्टेंट होता है 22/7, तो इसमें क्या निकालेंगे हम, आर का वैल्यू निकल जाएगा। इससे क्या निकलेगा, आर का वैल्यू, हमको क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कौन है, हम रेडियस तो निकाल लिए, अब हमको क्या चाहिए हाइट। अब कोई एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें हाइट निकल जाए। देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, हाइट जो है 1.5 टाइम्स रेडियस है। तो देखो अगर हम सेकंड इक्वेशन का यूज करें तो हाइट ऑफ द टैंक के 1.5 टाइम्स द रेडियस, हम लोग रेडियस निकाल चुके हैं तो यहाँ से हाइट नहीं निकल जाएगा क्या, तो हाइट भी निकल जाएगा। हमको क्या चाहिए था, रेडियस और हाइट चाहिए था, रेडियस पहले वाले में निकल गया और हाइट सेकंड वाले में निकल गया। थर्ड वाला हम देखते हैं, 2πr = 880, इससे भी क्या निकलेगा रेडियस निकल सकता है, तो इससे भी क्या निकलेगा, इससे भी रेडियस निकलेगा, इससे हाइट निकल गया निकलेगा और इससे भी रेडियस निकलेगा, तो कौन चाहिए। तो देखो टू तो चाहिए चाहिए, क्योंकि हाइट तो सिर्फ इसी से निकल रहा है मेरा, रेडियस तो पहला और तीसरा से भी निकल रहा है। तो देखो क्या होगा ऑप्शन, ओनली टू एंड आइदर ऑफ 1 और 3, टू तो नेसेसरी है कि ये इंक्लूड होगा ही होगा, क्योंकि इसमें क्या हाइट निकल रहा है, और दोनों में से किसी एक को ले लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, तो मेरा क्या कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच नहीं निकल जाएगा क्या। फिर से देख लो, पहला वाला इसमें क्या निकलेगा रेडियस, दूसरे वाले में क्या निकलेगा हाइट, और तीसरे वाले में भी रेडियस। तो हमको क्या चाहिए, रेडियस और हाइट वॉल्यूम निकालने के लिए किसका, सिलेंडर का। अब देखो ये तो हाइट ये नेसेसरी है, टू तो पक्का होगा, टू जो भी होगा वो पक्का होगा, लेकिन उसके साथ वन भी चलेगा और थ्री भी चलेगा, कोई भी आ सकता है। तो टू के साथ कौन होगा, आइदर 1 और 3। ओके इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है वो देखते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है। अब तुम्हारे पास तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो पहला में पेरीमीटर दिया हुआ है 110, ठीक है ना, पेरीमीटर दिया हुआ है 110, यानी 2 × लेंथ + ब्रेथ = 110, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना आ जाएगा 55। सेकंड में बोला लेंथ इज 5 मीटर मोर देन ब्रेथ, तो देखो लेंथ जो है ब्रेथ से कितना है 5 ज़्यादा है। थर्ड में बोला रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 6:5 रेस्पेक्टिवली, तो पहले वाले में निकल गया क्या मेरा एल प्लस बी का वैल्यू निकल गया, दूसरे वाले में से क्या निकल गया एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल और बी का वैल्यू निकल जाएगा क्या, एल का वैल्यू 5 आ गया तो बी का वैल्यू भी निकल जाएगा। थर्ड वाला में क्या बोल रहा है कि देखो थर्ड वाला क्या बोला, रेशियो दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का 6:5, तो एल बाई बी इक्वल टू 6/5, तो 5L - 6B = 0। देज आर द 3 इक्वेशंस इन एल एंड बी, एल लेंथ और ब्रेथ के बारे में, बी में सॉल्व द पेयर। देखो एनी 2 of the 3 विल गिव द आंसर, कोई भी दो, इसके साथ ये भी चल जाएगा, इसके साथ ये भी। देखो इससे क्या निकल गया एल प्लस बी 55, इससे क्या निकल जाएगा लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा, और इससे क्या निकल जाएगा लेंथ और ब्रेथ का ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी। तो एनी अगर ये दोनों से भी क्या होगा लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, ये दोनों से भी क्या निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि एल प्लस बी दिया हुआ है, एल माइनस बी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो बी भी कैंसिल और एल का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एल का वैल्यू पुट करेंगे तो बी का वैल्यू, तो ये दोनों से भी निकल जाएगा लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों से निकल जाएगा लेंथ ऑफ ब्रेथ, और ये दोनों से भी निकल जाएगा लेंथ ऑफ ब्रेथ, मतलब इसके ये दोनों के इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ये दोनों का भी यूज कर सकते हैं और ये दोनों का भी यूज कर सकते हैं, एनी टू ऑफ देम, एनी टू ऑफ देम।
एनी टू ऑफ देम थ्री, सॉरी तीनों में से क्या होगा, किसी दो को भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड को निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें एल प्लस बी निकला, इसमें एल माइनस बी, और इसमें भी एल माइनस बी, तो इसके ये दोनों से निकाल सकते हैं, ये दोनों से निकाल सकते हैं, और ये दोनों से निकाल सकते हैं, देख लो। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ओलंपियाड हुआ या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुआ तो इसमें पूछते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों स्टेटमेंट को पहले सॉल्व कर लेंगे कॉपी में, फिर देखेंगे कौन से स्टेटमेंट से हम इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर निकल सकता है इजीली, ठीक है ना। तो देखो इसमें जब निकाले थे तो तीनों स्टेटमेंट निकाले, इसमें एल प्लस बी आया, एल माइनस बी, और इसमें रेशियो दिया हुआ था दोनों का, ये दोनों कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं, ये दोनों कंबाइन करके भी, और ये दोनों भी कंबाइन कर, एनी टू ऑफ देम वी यूज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सिमिलरली इसमें भी निकाले थे तो इसमें क्या निकला था, इसमें सिर्फ हाइट मिल रहा था और इसमें, और इसमें रेडियस मिल रहा था, तो ये क्या था, नेसेसरी था कि ये स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, इसके साथ ये भी आ सकता है और इसके साथ ये भी आ सकता था, आइदर वन और थ्री आ सकता है, किसके साथ, टू के साथ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।